Hello dear students, welcome to DKB tutorial. Today students, I am going to start a new chapter of class 10th physics, that is light. Okay, in this chapter I am going to talk about two topics. The first topic is the reflection of light and the second topic is refraction of light. Okay बच्चों, आप सबको पता है लाइट की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. अगर हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, इट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द लाइट. ओके, हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. इफ़ देयर इज़ नो लाइट देन वी कांट सी द डिफरेंट ऑब्जेक्ट. वी कैन सी ओनली बिकॉज ऑफ द लाइट. लाइट हमारे पास कहाँ से आती है? एज वी ऑल नो, लाइट का एक बहुत बड़ा सोर्स हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है, दैट इज़ सन. द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज दैट इज सर, लाइट होता क्या है? वॉट इज़ लाइट एंड हाउ वी कैन सी द डिफरेंट थिंग्स. हम अलग अलग चीज़ों को कैसे देख पाते हैं? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन अराइज कि लाइट क्या होती है बच्चों. ओके, तो वेन एवर एनी वन आस्क यू वॉट इज लाइट, देन योर आंसर शुड बी सर, लाइट इज ए form of energy due to which we can see the objects. Okay, due to which we can see the objects, जिसकी वजह से हम different different objects को बच्चों क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द लाइट. अब हमको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई क्यों देता है? ओके, तो धीरे धीरे आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर इस चैप्टर में मिलेंगे. ओके, द नेक्स्ट इज वॉट इज द नेचर ऑफ लाइट. ओके, वॉट इज द नेचर ऑफ लाइट, इसको भी रफ कर लेते हैं. नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर कैसा होता है? तो बच्चों, नेचर को लेके अलग अलग साइंटिस्ट में अलग अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं. कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि लाइट वेव से मिलके बनी हुई है. वेव तो समझते हैं ना, हम बोलते हैं ना कि लाइट की क्या आ रही है, लाइट की किरण आ रही है. ओके, उनको हम क्या बोलते हैं? वेव. लेकिन कुछ अदर साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि लाइट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, लाइट में पार्टिकल्स होते हैं. अब ये तो बात हमको कॉमन सी बात है, सबको समझ में आती है, लाइट इज़ मेड अप ऑफ वेव्स. लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि लाइट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स? ओके, तो लेट्स मूव ऑन द टू थियोरीज ऑफ लाइट. द फर्स्ट थियोरी ऑफ लाइट इज वेव थियोरी. According to wave theory, as I have told you about, light is made of electromagnetic waves. Okay, light किसकी बनी हुई है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बनी हुई है. अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है, सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं? इन द नाइन्थ स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड द चैप्टर साउंड एंड आई थिंक डेफिनेटली यू नो दैट साउंड इज मेड अप ऑफ मैकेनिकल वेव्स. नाइन्थ स्टैंडर्ड में आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि साउंड किसका बना हुआ होता है? मैकेनिकल वेव्स का बना हुआ होता है. मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर दोज वेव विच डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल, जिनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. दोज वेव आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इज दैट क्लियर? एंड मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव आर दोज वेव विच रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल, जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है उनको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव. तो लाइट किसकी बनी हुई होती है? लाइट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. एज वी नो, लाइट सन से हमारे पास तक आ रही है, बीच में स्पेस भी होता है. स्पेस में से होके आ रही है, स्पेस में तो कुछ होता नहीं है स्टूडेंट्स. तो लाइट को
एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. दैट्स वाई लाइट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड द विच मूव एट अ स्पीड ऑफ 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर. ओके, जो एयर में किस स्पीड के साथ में मूव करती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड के साथ में मूव करती है. ये बात कॉमन सी है, मोस्टली स्टूडेंट को समझ में भी आती है और पता भी रहता है. लेकिन कुछ साइंटिस्ट हैं बच्चों, वो कहते हैं दैट लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. वो क्या कहते हैं, पार्टिकल थ्योरी के जो साइंटिस्ट हैं, दे थॉट दैट, दे अज्यूम दैट लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स. ओके, पार्टिकल्स, लाइट किसकी बनी हुई है, पार्टिकल्स की बनी हुई है. ओके, एंड द नेम ऑफ दैट पार्टिकल इज फोटोन. उन्होंने पार्टिकल का नाम भी बताया एंड द इसको हम आगे चल के 11th क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाएंगे. इसको क्वांटा भी बोला जाता है बच्चों. ओके, तो क्या बोला जाता है, क्वांटा. जैसे समझो 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा होगा. रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट किसी शाइनी सरफेस को हिट करती है तो बाउंस बैक होती है, वापस आ जाती है. आप सोचो बच्चों, मेरे पास में एक चौक है, ये चौक क्या है, क्या ये एक बिग पार्टिकल की तरह है. अगर मैं इसको ऐसे थ्रो करता हूँ तो ये क्या करेगी, ये किसी सामने बॉल को हिट करके टकरा के वापस आ जाएगी. तो हिट करके और टकरा के वापस आना, ये किसका नेचर है, पार्टिकल का या वेव का. डेफिनेटली यू आर राइट दैट सर, इट इज़ द नेचर ऑफ अ पार्टिकल. एक पार्टिकल जैसे हमारे पास में एक बॉल हो और बॉल को हम किसी दीवार को हिट करेंगे, देन बॉल क्या हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगी. तो ये बॉल किसकी तरह काम करेगा, एक बिग पार्टिकल की तरह. यहाँ पर भी तो होता है, लाइट में लाइट जाती है किसी भी सरफेस को हिट करती है और हिट करके वापस आ जाती है. तो ये नेचर क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि लाइट में पार्टिकल्स भी हैं. कुछ ऐसे फिनोमेना हैं बच्चों जो ओनली पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किए जाते हैं, लाइक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ओके, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऐसे फिनोमेना हैं जो तब एक्सप्लेन किए जाएंगे जब हम ये बात मान के चलें कि लाइट किसकी बनी हुई है, पार्टिकल्स की बनी हुई है. करेक्ट, वहीं पर कुछ ऐसे फिनोमेना हैं जो तब एक्सप्लेन किए जाएंगे जब हम ये बात मान के चलें कि लाइट वेव की बनी हुई है. द नेम ऑफ दीज फिनोमेना आर डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन. ओके, इन द 10th स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू स्टडी दीज टू फिनोमेना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. अबाउट दीज फिनोमेना यू आर गोइंग टू स्टडी इन हायर क्लासेस. ओके, तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, एन्जॉय द वीडियो, बाय बाय.